नमस्कार दोस्तों, चलिए आपको बता दूं, एक बुरी खबर तो एक अच्छी खबर है जो कि टीम इंडिया के लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि ये खबर दोस्तों जो निकल के आई है वो है ESPN क्रिकेट इन्फो से निकल के आई हुई है। और अच्छी खबर ये है कि दोस्तों रविंद्र जडेजा और KL राहुल तीसरे टेस्ट में वापसी कर सकते हैं राजकोट वाले टेस्ट मैच में। वहीं दोस्तों बुरी खबर ये है कि विराट कोहली अगले दो टेस्ट मैच भी नहीं खेलेंगे। तो चलिए दोस्तों आप लोगों को पूरी खबर मैं बता देता हूँ कि ESPN क्रिकेट इन्फो पे खबर निकल के आई कि जहाँ टीम इंडिया ने पहले दो टेस्ट मैच कंप्लीट हो चुके हैं, विशाखापट्टनम में जहाँ टीम इंडिया ने इंग्लैंड को 107 रनों से हरा दिया है, वहीं हैदराबाद वाले टेस्ट मैच में टीम इंडिया मैच हार गई थी। 1-1 से सीरीज़ की बराबरी हो गई है। इंग्लैंड ने भी एक मैच जीता है और इंडिया ने भी एक मैच जीता है। दोनों मैचों में विराट कोहली की कमी खासा देखने को मिली। दूसरे मैच में तो यहाँ पर खैर यशस्वी जायसवाल ने जहाँ पहली पारी को संभाला, वहीं दूसरी पारी में सुमन गिल की फॉर्म वापसी हुई, जो कि इंडिया के लिए एक खुशखबरी है। क्योंकि दोस्तों आज का दिन बुधवार टीम का ऐलान होने वाला है कि टीम का ऐलान हो सकता है कि कौन खेलेगा कौन नहीं खेलेगा। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात तो ये है कि विराट कोहली अगले दो टेस्ट मैचों में भी वापसी नहीं करेंगे, वो करेंगे अब सीधे धर्मशाला वाले टेस्ट मैच में जो कि 7 मार्च को होगा। अब 15 फरवरी को होने वाले टेस्ट मैच और दोस्तों 23 फरवरी को होने वाले टेस्ट मैच में हमको नहीं देखने को मिलेंगे विराट कोहली। लेकिन दोस्तों अच्छी खबर ये है कि KL राहुल हम लोग को देखने को मिलेंगे, जो कि बहुत ही अच्छी खबर है टीम इंडिया के लिए, क्योंकि KL राहुल की वापसी से टीम को मजबूती मिलेगी। उन्होंने हैदराबाद वाले टेस्ट मैच में एक अच्छी पारी खेली हुई थी, वहीं पर दोस्तों जहां पर दूसरे टेस्ट मैच में वो चोटिल होने के कारण नहीं खेल पाए थे, वहीं रविंद्र जडेजा भी नहीं खेल पाए थे, तो टीम इंडिया लेकिन तब भी मजबूती से खेली, अच्छा खेली। लेकिन दोस्तों नाकामी जो दिख रहे हैं श्रेयस अय्यर, रजत पाटीदार, शिखर भरत, इन लोग प्लेयरों से कोई भी अच्छी पारियां नहीं निकल के आई हैं अभी तक दोनों टेस्ट मैचों को मिला के। वहीं शुभमन गिल ने 332 दिनों का इंतजार को भी ख़त्म कर दिया। वहीं जसप्रीत बुमराह 9 विकेट और पहले टेस्ट मैच में 6 और दूसरे में 9 विकेट लेके 15 टेस्ट विकेट लेके विश्व के नंबर 1 के ICC फास्ट बॉलर बन चुके हैं और इंडिया की तरफ से ऐसा करने वाले ये पहले बॉलर हैं फास्ट बॉलरों में। इससे पहले कपिल देव ने हाईएस्ट रैंकिंग 2 हासिल की थी और उसके बाद जहीर खान 2010 में हासिल किए थे नंबर 3 रैंकिंग। लेकिन दोस्तों सबसे अच्छी बात आज ये है कि टीम इंडिया का जसप्रीत बुमराह भी नंबर 1 ICC गेंदबाज बन चुका है और जसप्रीत बुमराह तीनों प्राय रूपों में ऐसा करने वाले शायद पहले गेंदबाज बन चुके हैं अब तक। और दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि जहां पर टीम में वापसी हो जाएगी अभी हमारे KL राहुल और रविंद्र जडेजा का, वहीं टीम इंडिया को मजबूती मिलेगी और तीसरे टेस्ट मैच में टीम इंडिया जीतने की कोशिश करेगी। बाकी क्या कहते हैं आप लोग वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। और